हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल कुकिंग विद नाज़रीन में। आज मैं आपको अपनी दादी की किचन में ले चलती हूँ। ये रेसिपी मेरी दादी बनाती थी, जो बहुत ही स्वादिष्ट और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ खरबूजे के बीज की सब्जी, जिसके लिए मैंने ये 1 कप खरबूजे के बीज लिए हैं। और ये मैंने 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार घटा और बढ़ा दोनों सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये मैंने 2 तेज़पत्ते लिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। और ये मैंने 20 से 25 मखाने लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। ये मैंने 2 पिसी हुई मीडियम साइज की 2 पिसी हुई प्याज ली है। मैंने 1 टमाटर की प्यूरी ली है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम अपनी खरबूजे के बीज को धो लेते हैं। बीज मैंने धोकर रख दिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं सबसे पहले तेल डालूंगी। तेल मैंने डाल दिया है। ध्यान रखना तेल ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अभी हमें मखाने तलने के लिए भी देसी घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी पिसी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज मेरी डल चुकी है। मैं इनको सुनहरा होने तक अच्छे से भूनूंगी। प्याज मेरी टमाटर की प्यूरी ऐड कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक इसको भूनूंगी। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। मसाले मेरे ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से भूनूंगी। ये देखिए गाइस, मैंने 2 कटोरी के लगभग पानी डाला है। मसाला मुझे अच्छे से भूनना है। मसाला नहीं भुनेगा तो सब्जी अच्छी नहीं होगी। तब तक मेरा मसाला भुन रहा है। मैं अपने बीज को मिक्सर के जार में डालकर पीस लेती हूँ। मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका है। इसको भुनने में 20 से 25 मिनट। अब मैं अपने पीसे हुए बीजों को स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर रही हूँ। अब मैं पानी डालती जाऊंगी और इसको स्ट्रेन करती जाऊंगी। बीज मेरे स्ट्रेन हो चुके हैं। हम इसको जितना पकाएंगे उतना ही अच्छा होएगा। जब तक मेरी ग्रेवी पक रही है तो मैं दूसरी साइड को अपने मखाने फ्राई कर लेती। ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी डाला है। अब मैं इसमें मखाने फ्राई करूंगी। मखाने हमें चलाते हुए फ्राई करने हैं। तो गाइज, हमें अपनी ग्रेवी को फुल आंच पर कुछ इस तरीके से पकाना है। इसको पकने में कम से कम 30 से 35 मिनट का समय लगेगा। तो 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी मेरी बनकर तैयार है। अब मैं इसमें अपने तले हुए मखाना ऐड कर रही हूँ और 1 उबाल आने तक इनको पकाऊंगी। मखाने ज्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। डालने के बाद मैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ। ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ग्रेवी को मैंने अपने बाउल में सर्व कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा कुटी मिर्च स्प्रिंकल करूंगी। और 1 धनिया पत्ता। तो गाइस, मेरी खरबूजे के बीज और मखाने की सब्जी बनकर तैयार है। और ये यूट्यूब पर पहली बार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।